नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहाँ पर मैं किताबों से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। तो यदि आपकी किताबों में रुचि है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ सत्य व्यास द्वारा लिखित बनारस टॉकीज की। सत्य व्यास आधुनिक हिंदी के लेखक हैं जिसे कि नई हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। सत्य व्यास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हैं। थोड़े ही समय में सत्य व्यास ने अपने लिए नए हिंदी लेखन में खास जगह बना ली है। कॉलेज और हॉस्टल लाइफ जीवन का एक ऐसा सुनहरा दौर है जिसे हमें एक बार जरूर खुलकर जीना चाहिए। घर से दूर दोस्तों के साथ अलग रहने में एक अलग ही मजा है। हॉस्टल लाइफ मस्ती से भरी होती है। इस दौरान घटी मजेदार और दिलचस्प घटनाओं से मिलकर एक अलग ही कहानी बनती है जो जीवन भर याद रहती है। ऐसी ही एक मजेदार कहानी है बनारस टॉकीज। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर स्टूडेंट लाइफ की कहानी है तो दो चार दोस्त होंगे, कुछ पढ़ाई की बातें होंगी, लड़ाई झगड़ा होगा, गाली गलौज होगी और इस सब के बीच में एक प्रेम कहानी होगी। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। लेकिन प्रशंसा की जानी चाहिए सत्य व्यास की, जिन्होंने एक साधारण सी कहानी को भी एक दिलचस्प और मज़ेदार किताब में बदल दिया। अपने कलम से संवार कर क्या खूब लिखा है लेखक सत्य व्यास ने। बनारस टॉकीज कहानी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के भगवान दास हॉस्टल की, जहां पर भविष्य के वकील और वर्तमान के छात्र रहते हैं। कहानी के तीन मुख्य पात्र हैं सूरज, अनुराग और जयवर्धन। ये सब लॉ के छात्र हैं और वकील बनने का सपना लेकर बनारस आए हैं। और फिर शुरू होती है इनकी हॉस्टल लाइफ, रैगिंग, मस्ती और पढ़ाई। हॉस्टल की रैगिंग, गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर, कैंपस की गॉसिप, कैंपस की लव स्टोरी, सब कुछ है इस किताब में। सूरज को लड़कियों में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है और बहुत कोशिशों के बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी बनती है जिसका नाम है शिखा। क्रिकेट, लड़कीबाजी, बाइक की सवारी और गंगा जी की घाटों की सैर में दो ढाई साल कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर एक दिल दहलाने वाली घटना घटती है जिसने ना केवल सूरज, अनुराग, जयवर्धन और हॉस्टल बल्कि पूरे बनारस को हिलाकर रख दिया। क्या होता है, क्यों होता है और ये तीनों उसका सामना कैसे करते हैं, इसका खुलासा मैं अभी नहीं करूंगी। यह सब जानने के लिए पढ़ें बनारस टॉकीज। किताब दिलचस्प है, पढ़ते हुए कई जगह अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है। किताब की भाषा पूरी तरह से बनारसी पुट लिए हुए है। लोकल बोली का प्रयोग किताब को एक अलग ही रूप देता है। भाषा में गालियों का प्रयोग भी खूब है, शायद हॉस्टल के युवा इसी तरह से बात करते हैं। यह बनारस पर आधारित एक ऐसी किताब है जो युवाओं को पसंद आएगी और नए लोगों को हिंदी में रुचि बढ़ाने का काम भी करेगी। किताब की भाषा पर कई लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बनारसी परिवेश और कॉलेज लाइफ को ध्यान में रखते हुए यह भाषा अच्छी लगती है और सटीक भी है। किताब की भाषा सरल और आसान है, इसलिए इसे उन लोगों के द्वारा भी पढ़ा जा सकता है जो हिंदी किताबों के नियमित पाठक नहीं हैं। किताब साहित्य प्रेमियों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन ऐसी कहानियां भी हिंदी के लिए ज़रूरी हैं ताकि नए लोगों की हिंदी किताबों में रुचि बनी रहे। यदि आपने हॉस्टल लाइफ को जिया है तो बनारस टॉकीज पढ़कर आप अपने हॉस्टल लाइफ के अनुभवों को फिर से याद कर सकते हैं। कैंपस की मस्ती और हॉस्टल की दोस्ती आपको अपनी हॉस्टल लाइफ की याद दिला देगी। कुल मिलाकर हॉस्टल लाइफ पर आधारित यह एक अच्छी किताब है। यदि आप कुछ हल्का फुल्का और मनोरंजक पढ़ना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। तो यह थी बनारस टॉकीज की मेरी समीक्षा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।